प्रयत्न करवाऊंगा। देखा तीसरा कहते हैं ना मैया जो पीछे आई है ना कोई प्रयोजन है ना कोई हमारे आसपास कोई भी मतलब नहीं। उसके उपरांत भी यदि हमारे हृदय में हमारे दर्शन विराजमान है जो बाहर से आए उनकी व्यवस्था कर जाओ। था सुनने की मन में इच्छा हुई है तो धन को धन के प्रलोभन की वजह से धन की खर्च की वजह से अपने हृदय को ना मारो। कथा हमें घर में करवाना चाहिए जहाँ तक धन की विषय आती है। एक अच्छे विद्वान मूर्ति के पास इनको आप व्यास गद्दी पर बिठा कर उनके मुख से कथा श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जिसको आप व्यास गद्दी पर विराजमान करेंगे वो भी कुछ साधारण नहीं होगा। भागवतों ने आदेश दिया कथा व्यास कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्त हो, लोभ से विरक्त हो। दूसरा विरक्त हो वैष्णवो विप्रो। दूसरा वैष्णव किसी संप्रदाय से संपादित हो, गुरु के आज्ञा अनुसार गुरु मंत्र लिया हुआ, माथे पर संप्रदाय चंदन लगा हो। कैमरा जाकर जूम जाते हैं पहले कौन सा मैं स्वर्ण लगता था उसी मैं स्वर्ण की याद रखता नहीं। तथा देंगे एक याद को अपने बोले और आकर ठीक से ठीक से। तीसरी बात आती है कौन हो कैसे विप्र होना चाहिए। देखिए ब्राह्मण जो होते हैं उनको तीन भागों में शास्त्रों ने बांटा। कैसे कैसे कितने एक जिसने सोलह अगन बनते थे जाए नहीं।